स्टूडेंट, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास फोर का सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। मैं आप लोगों को पत्र लेखन करवा रही थी, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोग पत्र कैसे लिख सकते हैं और पत्र के कितने प्रकार होते हैं और पत्र के जो नियम हैं वो आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पत्र लेखन के कुछ जो आप लोग नियम बताए थे, उसमें एक संबोधन था, अभिवादन और निवेदन। तो जब हम लोग किसी को संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं, निवेदन करते हैं, वो भी बड़ों के लिए कुछ का संबोधन अलग होता है या फिर जो आपसे छोटे होते हैं उनके लिए संबोधन कुछ और होता है। तो वही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसा है आपका, अपने से बड़ों के लिए, जैसे गुरु, पिता, बड़ा भाई, ससुर आदि, उनका संबोधन हम लोग कैसे करते हैं? पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय, मान्यवर, माननीय। फिर अभिवादन हम लोग कैसे करते हैं? चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। और निवेदन करना हो तो फिर कैसे करते हैं? आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र, आपका विनित, आपका कृपाशील, कृपा विलासी। तो इस तरह से ये बड़ों के लिए हो गया। फिर है अपने से छोटों के लिए, जैसे पुत्र, भतीजा, छोटा भाई, भांजा आदि, संबोधन कैसे करेंगे? प्रियवर, चिरंजीव, आयुष्मान। अभिवादन कैसे करेंगे? चिरंजीव रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष। फिर निवेदन कैसे करेंगे? तुम्हारा हितेशी, तुम्हारा शुभच्छेदु, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा सुहृद मित्र या फिर स्नेही। यह आपका होगा शुभेच्छु, ठीक है। फिर है आपका नंबर थ्री में, अपने बराबर वालों के लिए, जैसे मित्र, सहपाठी, बराबर की उम्र वाले, संबोधन कैसे करेंगे? प्रिय मित्र, प्रियवर, मित्रवर, प्रिय साथी, परम स्नेही। अभिवादन कैसे करेंगे? नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, सस्नेह मिलन। फिर है आपका निवेदन कैसे करेंगे? स्नेही मित्र, तुम्हारा सुहृदय मित्र, अभिनन हृदय। अधिकारियों के लिए, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय। फिर है आपका अभिवादन कैसे करेंगे? नमस्ते। निवेदन करेंगे? प्रार्थी, निवेदक, भवदीय, कृपाकांक्षी, आपका सेवक। फिर है आपका व्यापारियों के लिए, जैसे प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महाशय। फिर करेंगे अभिवादन करेंगे? नमस्ते, नमस्कार, और निवेदन करेंगे? भवदीय। तो ये आपको कुछ नियम, आपको ये सब याद रखना है, नियम नहीं, ये आपको याद रखना है कि किस बड़ों के लिए, छोटों के लिए, आपके मित्रों के लिए या फिर आपके जो समान उम्र वाले हैं उनके लिए आपका अभिवादन, संबोधन, निवेदन कैसा होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को औपचारिक के बारे में बताने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र का नमूना, जैसे यहाँ पर है प्रेषक का पता, यानी जो आपका जो प्रेषक, यानी जिसको आप लोग पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनका पता, तो पहले आप उनका पता दीजिएगा। फिर है यानी आपको जो लिफाफा होता है उसके ऊपर जो प्रेषक का पता रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग एड्रेस कहते हैं। औपचारिक कभी जानते हैं, इसको हम लोग ऑफिशियल लेटर कहते हैं यानी वेबसाइट लेटर कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपका पता रहेगा, फिर रहेगा दिनांक यानी तिथि, दिनांक यानी क्या होता है? तिथि, डेट। तो पहला, फिर जैसे मैंने यहाँ पर डेट दिया है, तो पहले आपके लिफाफे के ऊपर का पता रहा, फिर आपका डेट रहेगा ऊपर इस तरह से, फिर रहेगा पत्र प्राप्तकर्ता की उपाधि, जिसको आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसका उपाधि। जैसे यहाँ पर आपका जो आपके प्रधानाचार्य को लिख रहे थे, फिर उनका उपाधि क्या हो गया? प्रधानाचार्य। फिर है पत्र प्राप्तकर्ता का पता, फिर उनका पता लिखना है यानी एड्रेस, ये हो गया आपका एड्रेस जहाँ आपको पत्र भेजना है। फिर है आपका विषय, मैंने आपको यह विषय बताया है, जैसे मैंने हमारे मेरा जो पत्र का नाम है छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, तो वही विषय क्या होगा? छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर है आपका संबोधन, संबोधन करना है कि आपको जो विषय है इस तरह, आपको जो माननीय महोदय, इसका हम लोग ये कहते हैं संबोधन। फिर है आपका पत्र का मुख्य विषय, तो ये दो अनुच्छेद में जो मुख्य विषय है, ये आपका मुख्य विषय है, एक दो
दो अनुच्छेद में आप दो या फिर तीन अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। फिर धन्यवाद लास्ट शब्द दीजिएगा, धन्यवाद भवदीय, यानी आपको किसी के रेस्पेक्टफुली रेस्पेक्ट देना, जैसे आपका अधिकारी शिष्य है। या फिर लास्ट में आपको आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मेट हो गया कि आप किस तरह से ये औपचारिक पत्र लिखेंगे। जैसे मैंने आपको एक नमूना दिया है, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्यों को प्रार्थना पत्र। पहले मैंने डेट दिया है, यानी दिनांक मैंने आज का डेट दिया है। सेवा में प्रधानाचार्य, ये आपका प्रधानाचार्य की उपाधि हो गई। फिर है आपका एड्रेस, स्वामी विवेकानंद एकेडमी फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस वर्धमान, विषय छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के चौथी कक्षा का छात्र हूँ। गत मास मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस हालत में मैं विद्यालय का फीस नहीं दे सकता। इस हालत में मैं विद्यालय का पत्र फीस नहीं दे सकता। गत 4 सालों से मैं सदा प्रथम आता रहा हूँ। धन की कमी के कारण मैं पुस्तकें नहीं खरीद सकता। आप मुझे विद्यालय से छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। धन्यवाद आपका अधिकारी शिष्य विवेक। तो इस तरह से आप अपना पत्र पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया है और एक उदाहरण देकर बताया है कि आप लोग कैसे लिखेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग को औपचारिक पत्र कैसे लिखा है आप लोग को ज्ञात हो गया है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।